अभी था जो भी चीज होता था जैसे क्रिकेट वाला है, क्रिकेट बज है, राजीव भाई इन्फो लाइन है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि 6 ओवर में गेम हो गया, 6 ओवर में 40 रन, तो जो यस करने वाले हैं वो यस पे सट्टा लगाएंगे, जो नो करने वाले नो पे लगाएंगे। यस पे हमने 5,000 रुपए लगा दिए, नो पे हमने 5,000 लगा दिए, तो अगर 40 से नीचे रह गया तो यस वाले को मिल जाएगा, नो अगर ओपन हो गया तो नो वाले को मिल जाएगा। तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा था जिसके ये लोग लगा, ये तो इनका कमीशन में आता मुंडी ऊपर करवा दीजिए, मुंडी ऊपर करवा है। हाँ ऑब्वियसली वो तो विश्वास का गेम है, बहुत भाग भी जाते हैं इसका। एक कहना है पंकज बताओ, पंकज बहुत लोग तो भाग भी जाते थे, तुम्हें इससे कुछ पता नहीं है, भूल गया क्या? एडवोकेट ने सिखाया है, कोई बात नहीं, चलिए ओके फोटो खींच लीजिए फटाफट। रमेश को लगा दिया निठारी में, तो निठारी में रमेश के पास 10 जगह है, तो उसके जो लोग हैं वो रमेश के पास पैसे जमा कर रहे हैं, रमेश व्हाट्सएप के माध्यम से इसके अकाउंट में जमा कर रहा है और इसको नंबर दे रहा है कि एक बहुत बड़ा सरगना है, सट्टा किंग है, इसका नाम है पंकज गिरी, ये नंदग्राम सियाली गेट गाजियाबाद का रहने वाला है, और इसने पूरे NCR में अपने गैंग गुर्गे खाईबाड़ी करके, और जो पैसा आता था उस पैसे को डिफरेंट अकाउंट्स में डालते थे, और उन्हीं अकाउंट्स का ATM 26 ATM इसके पास था, जिस ATM से ये पैसा निकलवाता था। 2-3 लोग इनके पास बैग में इनिशियली 4-4.5 लाख रुपया था, जब चेकिंग किया गया तो 4.5 लाख रुपया जब आया तो 4.5 लाख रुपया मिलने के बाद मिंडा तिरा कहाँ पे था, ये कहाँ है मिंडा तिरा से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जो खुलासे हुए वो बहुत ही एक तरह से आश्चर्यजनक खुलासे थे। इन लोगों के बैग से 26 ATM कार्ड्स मिले, 26 ATM कार्ड्स, सभी ATM कार्ड्स चालू हैं। हाँ नंबर T8 के SHO की टीम को एक सफलता मिली है। इन लोगों ने एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है, इसके पोजीशन से 4.5 लाख रुपए और 26 ATM कार्ड्स डिफरेंट बैंक्स के बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं, कुछ आधार कार्ड बरामद हुए हैं। बेसिकली ये गैंग फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर और उसमें गैम्बलिंग के बहुत सारे पैसे मंगाता था। एक एक अकाउंट का ट्रांजेक्शन लगभग 14 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के आसपास का होता था और महीने में करोड़ों का ट्रांजेक्शन इन सभी अकाउंट से कराया जा रहा था, और सारे के सारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं से गलत तरीके से खोले गए हैं, और आधार कार्ड जो इनके पोजीशन से मिला है उसे कम्प्लीटली एक क्लियर होता है कि ये लोग अन्य इस तरह के भी अकाउंट्स खुलवा करके और उसमें भी उस तरह के पैसे जो इलीगल तरीके से पैसे आ रहे थे उसको मंगाते थे। उसके बाद ये कुछ लोगों को लगाकर इन्हीं ATM कार्ड से, सारे के सारे ATM कार्ड फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उससे पैसे निकलवा कर और फिर ये उसको मिसयूज करता था। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा गैंग था जो पूरे NCR में इसका नेटवर्क था, और इसलिए ये फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवा कर उसमें गलत तरीके से पैसा मंगा करके और इस तरह से ये पूरा का पूरा अपना एक नेटवर्क चला रहा था। क्या ये पहली बार पकड़ा गया है? देखिए अभी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं, ये गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके बारे में ये है कि ये कभी गाजियाबाद में इस तरह का कोई अपना नेटवर्क नहीं चला रहा था, बाकी दिल्ली में नोएडा में आसपास के अन्य जनपदों में ये चला रहा था। क्रिमिनल हिस्ट्री आसपास के जनपदों से हम लोग पता कर रहे हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड पंकज गिरी है और इसके बहुत सारे मित्र भी हैं। एक हमारे यहाँ से वांटेड सलमान नाम का व्यक्ति है, वो भी इसमें वांटेड है, वो भी इसका इसके साथ काम कर रहा था।